नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं मौनी अमावस्या। दोस्तों बहुत ही खास दिन माना जाता है मौनी अमावस्या का, और मौनी अमावस्या के दौरान दोस्तों कोई भक्त उपाय आदि करता है, विधि करता है, दान पुण्य करता है तो उसे निश्चित तौर पर फायदा प्राप्त होता है। दोस्तों क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो अमावस्या हो, एकादशी हो, पूर्णिमा हो, इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। इस दिन अगर व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई भी सकारात्मक कार्य करता है तो निश्चित तौर पर उसका आत्मकल्याण होता है और उसके घर परिवार के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती है। इसी वजह से इनका विशेष महत्व माना जाता है। तब दोस्तों आज जो हम आपको उपाय बताएंगे जो मौनी अमावस्या का है, इस दिन अगर आप इस 10 रुपये के सिक्के का ऐसा उपाय कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर से गरीबी समाप्त हो जाती है और परिवार के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती है। दोस्तों आप क्या करें कि इस अमावस्या के दिन सुबह जल्दी स्नान कर लें। स्नान आदि करने के बाद दोस्तों आपको एक इस उपाय हेतु 10 रुपये के सिक्के की आवश्यकता पड़ेगी। आप इस 10 रुपये के सिक्के को लें और दोस्तों इस सिक्के के एक तरफ आपको कुमकुम की सहायता से या फिर लाल रंग की सहायता से इस सिक्के पर अपने नाम का पहला अक्षर लिख दें, और दोस्तों दूसरी तरफ आपको क्या करना चाहिए कि एक स्वास्तिक का निर्माण कर दें। दोस्तों ऐसा करने के बाद इस अमावस्या के दौरान आपके परिवार के जो भी सदस्य रहते हैं, क्योंकि दोस्तों अब इस सिक्के का विशेष महत्व इसीलिए है कि दोस्तों सिक्का यह 2 धातु का बना होता है, और साथ ही साथ दोस्तों सिक्का जो धातु का होता है उसके बजाय जो नोट व कागज़ का होता है, धातु आपके जीवन के अंदर सकारात्मकता लाती है, सकारात्मकता को बढ़ाती है और साथ ही साथ नकारात्मक चीज़ों को सोखने का भी कार्य करती है। इसी वजह से दोस्तों इस उपाय हेतु सिक्के की बड़ी आवश्यकता रहती है। दोस्तों ऐसा करने के बाद आप क्या करें, इसके ऊपर आपने अपने नाम का पहला अक्षर एक स्वास्तिक का निर्माण कर दिया। दोस्तों नाम का पहला अक्षर आप जिस व्यक्ति के लिए उपाय करना चाहते हैं उसका लिखें, और स्वास्तिक दोस्तों इस सिक्के की पवित्रता और इस सिक्के की सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए विशेष महत्व रखता है, इसीलिए आपको वह लिखना चाहिए। दोस्तों उसके बाद आप क्या करें, इस सिक्के को आपको रात को सोते समय अपने सिरहाने रख दें, लेकिन उससे पहले आपको अपने घर के पूजा घर में बैठकर एक छोटी सी पूजा करनी चाहिए। आप दीपक जलाएं और दीपक के ऊपर से दोस्तों इस सिक्के को 7 बार ओसारें, और 7 बार ओसारते समय एक मंत्र का मन ही मन जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का दोस्तों आपको मन ही मन जाप करना है, और मन ही मन जाप करने के बाद आप क्या करें कि इस सिक्के को रात को सोते समय अपने सिरहाने रख दें, जिससे दोस्तों आपके जीवन की जो भी नकारात्मकता होती है, आपके आसपास की कोई भी नकारात्मकता होती है तो दोस्तों इस 2 धातु के द्वारा सोख ली जाती है, और परिवार के अंदर धन प्राप्ति के योग बनाना, घर के अंदर खुशियाँ लाना, इस प्रकार की गतिविधि को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। तो आप इसे रात को सोते समय अपने सिरहाने नहीं रखना चाहते, तब दोस्तों इसे आप अपने घर के पूजा घर के अंदर ही किसी अन्य देवी देवताओं की तस्वीर या मूर्ति के आगे आपको रख देना चाहिए, ताकि परिवार के अंदर सकारात्मकता देखने को मिले, परिवार के अंदर अच्छी चीज़ें घटित हो, इसी वजह से आपको वहाँ पर इसे रखना चाहिए। और दोस्तों उसके बाद क्या करें कि अमावस्या की रात्रि को तो आप वहीं रख दें, अगले दिन सुबह उठने के बाद स्नान आदि करें, और आदि करने के बाद एक बार फिर से देवी देवताओं की आप अपने घर के अंदर पूजा पाठ करें, और दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि इस सिक्के को लें, और इस सिक्के को लेकर आपके आसपास कोई भी नदी तालाब होता है वहाँ पर जाएं और थोड़ा सा नदी तालाब का जल इस सिक्के पर छिड़क दें, और उसके बाद दोस्तों आप इस सिक्के को किसी भी गरीब व्यक्ति को दान दे दें, किसी भी छोटे बच्चे को आप इस सिक्के से किसी प्रकार की कोई चीज़ लाकर खिला दें, या फिर इस सिक्के को दोस्तों आप कहीं भी मंदिर के अंदर दान दे दें। दोस्तों आप देखेंगे कि निश्चित तौर पर घर परिवार के अंदर जो समस्याएं आन पड़ी थी वह समाप्त हो जाती है, जैसे ही सिक्के का उपयोग सकारात्मक कार्य में होगा
आपकी सारी नकारात्मकताएं दूर हो जाती है। घर परिवार के अंदर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद देखने को मिल जाएगा और इस सिक्के के उपाय के माध्यम से इस अमावस्या के अंधकार के साथ ही आपके जीवन का अंधकार भी दूर होने लगता है और आपके परिवार के अंदर फायदा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम।